वो आठ पहलवान अभी आठ क्षेत्रों में उतारे हैं, इसके मुकाबले किसी पार्टी के प्रत्याशी टिक पाएंगे क्या, चाहे वो NDA को हो या RJD को हो? क्योंकि RJD में कुछ ऐसे लोग बैठ गए हैं, वो चाहते हैं रणनीति के तहत तुलसी यादव कभी CM नहीं बने, तो अपने पुर्ज को बरकरार रखने के लिए RJD के कुछ बड़े नेता तेजस्वी यादव जी को नहीं चाहते कि वो मजबूत हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, इनसे हम जुड़ेंगे और पहला सवाल तो यही होगा कि सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के पास अब उम्मीदवार ही नहीं है, बेचैन है कांग्रेस? देख, कांग्रेस के पास उम्मीदवार है नहीं या है, ये सबसे ज़्यादा अंदाज़ा RJD को है। अच्छा। कि कांग्रेस के पास एक एक सीट पर अब 10-10 उम्मीदवार हैं, वो हमें चयन करने में मुश्किल हो रही है कि इसमें सशक्त उम्मीदवार कौन है। आज जो आठ पहलवान अभी आठ क्षेत्रों में उतारे हैं, इसके मुकाबले किसी पार्टी के प्रत्याशी टिक पाएंगे क्या, चाहे वो NDA को हो या RJD को हो? इसी प्रकार से बाकी सीटों पर बहुत ही सशक्त और मजबूत पहलवान क्षेत्र में जाएंगे, इस समय पे पता चलेगा। क्योंकि अब यह सुनिश्चित ही नहीं हुआ है कि चुनाव कब होना है, और जो हालात है, जब चुनाव होगा तो चाहे NDA हो या RJD हो, दोनों के प्रत्याशी को मेरे ही प्रत्याशी से लड़ना पड़ेगा और मेरा प्रत्याशी अव्वल होगा। अच्छा, लालू प्रसाद यादव को इस बीच सजा सुनाई गई है, बिहार विधान परिषद के चुनाव भी हैं, क्या लगता है कि राजद को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका जो फायदा कांग्रेस को? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को सजा सुनाने के बाद हम सब दुखी हैं, हम सब चाहते हैं, उनका सेहत बहुत ख़राब है, वो अपने सेहत के कारण भी बाहर रहें और RJD के सेहत के कारण भी। क्योंकि RJD में कुछ ऐसे लोग बैठ गए हैं जो तेजस्वी यादव जी को अच्छी राय नहीं देते हैं, जिससे RJD की बढ़ोतरी हो, या वो चाहते हैं रणनीति के तहत कि तेजस्वी यादव कभी CM नहीं बने, इस प्रकार का वो प्रारूप तैयार कर पा रहे हैं। क्यों चाहेंगे राजेश राठौर जी? चूंकि लालू प्रसाद यादव जी के अनेक मित्र हैं, जो लालू यादव जी के तेजस्वी पुत्र तेजस्वी यादव जी इतना गुणवान हैं, बलवान भी हैं, समझदार भी हैं, वो बेहतर करने की क्षमता भी रखते हैं, करते भी हैं, ताकि वो करे नहीं, इसीलिए चूंकि बाकी के बच्चे तो उतना गुणवान निकले नहीं, तो वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने। इसलिए जब भी RJD और कांग्रेस का गठबंधन ठीक होता है, परिणाम अच्छा आने लगता है, तब उनको ऐसी राय दे देते हैं जिससे RJD अपने चित हो जाती है। अच्छा। नहीं तो जब जब RJD कांग्रेस के साथ रही, परफॉर्मेंस बेहतर रहा, कांग्रेस को जब जब छोड़ी तो विपक्ष में भी नहीं आ पाई, तो इसका ये मतलब है कि तेजस्वी यादव जी के पास या RJD में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव सशक्त और मजबूत हो। और इसी चुनाव में देख लीजिए कि अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में आ गई है तो सबसे बड़ा खामियाजा RJD को भोगना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस बनाम NDA होगा। यानी राजेश राठौर जी, आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को एक तरफ सजा सुनाई गई है, दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस नहीं है, तो अब सीधा का सीधा खामियाजा राजद को भुगतना पड़ेगा? निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी को इस बात को समझना पड़ेगा कि उनके दल में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव जी सशक्त और मजबूत हो। एक तब RJD पर ऐसे ही विपत्ति आ गई कि आदरणीय लालू यादव जी को सजा सुना दी गई, उनका सेहत नासाज रहता है, ऐसी स्थिति नहीं है कि वो सजा जेल में काट पाए, उनके लिए सुरक्षा का घर हो सकता है या हॉस्पिटल हो सकता है, या अपनों के बीच रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव जी को भी राजनीति दरकिनार कर देना, अपने गठबंधन के साथियों को छोड़वा देना, इसका मतलब है कि RJD में कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सशक्त और मजबूत नहीं हो, तेजस्वी यादव कमजोर बने रहें ताकि उनकी पूछ बरकरार हो। तो अपने पूछ को बरकरार रखने के लिए RJD के कुछ बड़े नेता तेजस्वी यादव जी को नहीं चाहते कि वो मजबूत हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि हर एक सीट पर कांग्रेस के पास 10-10 उम्मीदवार हैं, तो अब तक सीटों का ऐलान क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? विधि पूर्वक
तो एनडीए ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की, उन्होंने सीटों का बंटवारा कर लिया है। चूंकि चुनाव अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, चुनाव आयोग नोटिफिकेशन ही नहीं किया है, और आरजेडी ने अलग लड़ने का निर्णय लिया, तो कांग्रेस ने भी मन बनाया अलग लड़ेंगे। जब कांग्रेसों में प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने लगी, आरजेडी का भी प्रत्याशी आरजेडी को छोड़ के कांग्रेस में आने का मन बनाने लगा, इसी आनन फानन में आरजेडी ने जल्दबाजी में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और जब 8 उम्मीदवारों की घोषणा हमने भी की तो सबको आंखें खुल गई जो कांग्रेस के पास कितने सशक्त और मजबूत उम्मीदवार हैं। तो आपने सुना राजेश राठौर जी को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि राजद के जो पहलवान हैं वो राजद का दामन छोड़ अब कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। खैर लाइफ सिटीज के साथ बने रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।